कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लॉकडाउन है। एक तरफ सरकार राहत का पिटारा खोल रही है ताकि लोगों को मदद मिल सके, पर दूसरी ओर दिल्ली में बिजली कंपनियों ने बिल भेजना शुरू कर दिया है। लिहाजा बिजली बिलों को तत्काल स्थगित करने और लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री और व्यावसायिक संस्थानों पर लगने वाले कमर्शियल फिक्स चार्ज को भी माफ करने की मांग की गई है। लॉकडाउन के बावजूद बिजली कंपनियों ने दिल्ली में मार्च महीने का बिल भेजने की शुरुआत कर दी है। बिल जमा करने की तारीख भी अप्रैल के पहले हफ्ते में तय की गई है, जिस पर बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने विरोध जताया है। प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर लॉकडाउन के दौरान बिजली के बिलों की वसूली रोकने की मांग की है। दिल्ली में आज लोगों को बिजली के बिल मिलने प्रारंभ हो गए हैं अप्रैल माह में पे करने के, इससे लोगों में बहुत चिंता है। मैंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को एक पत्र लिखा है, उसमें उनसे अनुरोध किया है कि एक ओर वह स्वयं कह रहे हैं कि मकान मालिक किराएदारों से 2 माह किराया ना वसूलें, किश्तों में ले लें, मानवता की बात की है उन्होंने, मगर स्वयं वो इसी लॉकडाउन के दौरान लोगों को बिजली के बिल भेज रहे हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि चलिए मेरे जैसे कंज्यूमर पे कर देंगे, मगर सोचिए उन्हीं किराएदारों का जिनके लिए आपने वो अपील की है किराया ना लेने की। क्या मकान मालिक उनसे किराया छोड़ दें और बिजली का बिल भी छोड़ देंगे क्या, जब उन्हें टाइम पर देना होगा? नहीं, अब दबाव का खेल होगा, किराएदारों पे दबाव पड़ेगा कि बिजली का बिल जमा कराइए, लोग परेशान होंगे। मानवता के आधार पर मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह बिजली बिलों की वसूली अप्रैल माह के लिए स्थगित करें। उधर दूसरी ओर दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से बाजार बंद है। जरूरी सामानों के दुकानों के अलावा सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, जिसके बाद ये भी मांग उठी है कि इन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाले बिजली के बिलों पर फिक्स चार्ज को माफ कर दिया जाना चाहिए। नमस्कार जी, मैं प्रवीण गुप्ता, मध्यवर्गीय व्यापारी। कोरोना महामारी को देखते हुए मैं अपनी ओर से और समस्त घरेलू उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, होटल व्यवसायी, दुकानदार भाइयों की ओर से सरकार को अपील करता हूं, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के कमर्शियल यूज़ के बिजली बिल आते हैं, उन बिजली बिलों में से 27 शुल्क को माफ़ किया जाए और भुगतान देय तिथि को आगे बढ़ाया जाए। मैं आपका हृदय से ऋणी रहूँगा। सरकार से मेरा करवत निवेदन है कि व्यापारी वर्ग को भी रिलीफ दी जाए और हमारा सहयोग किया जाए। हालांकि सरकार दिल्ली में कोरोना संक्रमण की वजह से राहत और बचाव के लिए तमाम उपाय कर रही है, गरीबों के लिए कई घोषणाएं की जा रही हैं और लोगों से घरों में रहने की अपील भी की जा रही है, लिहाजा अब देखना जरूरी होगा कि व्यापारियों और आम लोगों की इन मांगों पर सरकार क्या रुख अपनाती है। दिल्ली से विश्वजीत झा की रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।